आज मैं आपको ऐसी शख्सियत के यहाँ पर लेकर के जा रहा हूँ जो कि यहाँ पर हिंदुस्तान की पहली महिला शासिका थी। तो यहाँ पर मैं ये गेट के पास खड़ा हूँ, इसका नाम है अजमेरी गेट। शाहजहाँ ने शाहजहाँबाद बनवाया था, जिसके अंदर 14 गेट बनाए थे, जिसमें से ये 4 गेट रह गए हैं। तो मैं 4 गेटों को दिखाने की कोशिश करूँगा आपको, जिसमें से पहला अजमेरी गेट है। लेकिन आगे जाने के लिए हम दूसरा गेट पर जाएंगे, तुर्कमान गेट है जिसका नाम। तो वहाँ पर आपके फिर जा करके मैं आपको मिलता हूँ। चलिए, दिल्ली में कुल 12 गेट बनवाए गए थे, इन्हीं में से एक है अजमेरी गेट। इसका निर्माण 1644 से 1649 के बीच शाहजहाँबाद यानी कि पुरानी दिल्ली की दीवार के 14 दरवाजों में से एक के तौर पर बना हुआ था। इसे मुगल बादशाह शाहजहाँ ने बनवाया था। इस दरवाजे के नाम के पीछे की वजह यह है कि यहां से रास्ता सीधे राजस्थान स्थित अजमेर शरीफ की ओर जाता है। यह गेट पुरानी दिल्ली के एक प्रमुख प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है, जो दिल्ली शहर के ऊपरी भाग में स्थित है, इसलिए इस दरवाजे का नाम अजमेरी गेट रखा गया है। नमस्कार, ये उन 4 गेटों में से दूसरा गेट है जिसका नाम है तुर्कमान गेट। तो चलिए दोस्तों, इसको मैं जो खुला हुआ है तो मैं इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको अंदर से। चलिए आइए। दिल्ली का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। उस समय इसे इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। यहाँ तोमर, खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी और फिर मुगलों के बाद अंग्रेजों का शासन रहा। मौजूदा दिल्ली तक पहुँचने के सफ़र में इस शहर ने लंबी दूरी तय की है। 16वीं शताब्दी में मुगल शासक शाहजहाँ ने इसे राजधानी बनाने का फैसला किया। 1639 में शाहजहाँ ने पुरानी दिल्ली की स्थापना की थी, उस समय इसे शाहजहाँबाद का नाम दिया गया था। इसके बाद दिल्ली में लाल किले का भी निर्माण पूरा हुआ। उसी समय दिल्ली में 14 गेटों का भी निर्माण किया गया था। हालांकि समय के साथ कई गेट अपना अस्तित्व खो चुके हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इस रास्ते से चलते हैं हमारी पहली भारत की महिला शासक रजिया सुल्तान की कब्र पर। तो यहाँ से ये बुलबुला खाना पहुँचेंगे हम यहाँ से सीधे, तो हम पहले बुलबुला खाने चलते हैं, फिर उसके बाद आपको फिर मिलते हैं। पुरानी दिल्ली का बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया है ये। यहाँ से तुर्कमान गेट से हम सीधे बुलबुले खाना की तरफ चलेंगे, वहाँ से फिर अंदर जाएंगे रजिया सुल्तान की कब्र के पास। बहुत छोटी छोटी गलियाँ हैं यहाँ पर, बिल्कुल एकांत में फंस के रह गया है हिंदुस्तान की मलिका का टॉम। ये देखिए, इसको इस जगह को बुलबुल खाना, बुलबुले खाना बोलते हैं। बिल्कुल छोटी छोटी गलियां हैं, पुरानी दिल्ली की छोटी छोटी गलियां। ये देखिए, आगे लगता है ऐसे रास्ता बिल्कुल बंद है। ये देखिए, बिल्कुल बंद गलियों में होते हुए हम पहुंचेंगे हिंदुस्तान की मलिका के टॉम के पास। यहाँ पर वो रजिया सुल्तान का टॉम कहाँ पर है? ठीक है, शुक्रिया 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 जी। अब ऑलमोस्ट हम यहाँ पर रजिया सुल्तान के टॉम के पास आ चुके हैं हम। ये देखिए सामने, कृपया जूते यहाँ पर उतारें। ये देखिए, ये बोर्ड लगा हुआ है हिंदुस्तान पुरातत्व विभाग का। शाही मस्जिद भी है इसमें रजिया सुल्तान जी की, और यहाँ पर ये बोर्ड पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। नमस्कार, द बैकपैकर्स ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर के आया हूँ एक नए वीडियो में, एक नई जगह पर, जो कि आप भी हैरान होंगे, जो कि हमारी हिंदुस्तान की पहली महिला शासिका सुल्तान बनी थी यहाँ पर,
उस जगह पर मैं उनके टॉम पर आपको लेकर के आया हूँ, जो कि आज वीरान में गुप्त छुपा हुआ है। छोटी छोटी गलियों से, तंग गलियों से होते हुए हम इस जगह पर पहुँचे हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपके अपने जूते यहाँ पर रिमूव करता हूँ, और क्योंकि अंदर मस्जिद आइए दोस्तों अंदर। एक ये मस्जिद बनी हुई है, यहाँ पर नमाज अदा की जाती है। पुराने टाइम से ही यहाँ पर यह मस्जिद है, इसलिए यहाँ पर हम जूते उतार कर आएंगे। तो यहाँ पर अभी नमाज का टाइम नहीं है, नहीं तो यहाँ पर इमाम साहब मिलते हैं, नमाज कराते हैं यहाँ पर। तो ये काफ़ी पुरानी मस्जिद है यहाँ पर, तो यहाँ पर बैठ के सभी यहाँ पर नमाज अदा करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ मैं आपको रजिया सुल्तान जी का टॉम। ये दोनों यहाँ पर कब्र बनी हुई हैं। अब कहते हैं कि इसमें एक रजिया सुल्तान की कब्र है, दूसरी उनकी बहन की कब्र है। अब ये नहीं पता इनमें से कौन सी रजिया सुल्तान की है और कौन सी उनकी बहन शाजिया की कब्र है। तो दोस्तों यहाँ पर आगे दो कब्र भी बनी हुई हैं। अब वो पता नहीं किसके, याकूत गुलाम की है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा वो याकूत गुलाम की है या किसकी है। ये देखिए ये दो कब्रें बनी हुई हैं, छोटी है और एक ये किसके, ये भी हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता। यहाँ पर पक्के तत्व नहीं है कि यहाँ पर ये किसके मजार बनी हुई है, किसकी कब्रें बनी हुई हैं। कोई कहता है याकूत गुलाम की है या कोई कहता है उनके बच्चों की है, तो ये नहीं पता ये कहाँ से। ये इधर वाली सुल्तान जी की है, और वो परली वाली कौन सी है? रिहाना सुल्ताना, ये दोनों। अच्छा, रिहाना और सुल्ताना दोनों बहने हैं जिनकी यहाँ पर ये कब्र है। तो कहते हैं ये असली कब्र नहीं है, ऐसा कुछ है? मैंने भी तो कोई कहता है कोई असली है ये। जी, आप यहीं पर रहने वाले हैं? मैं राजस्थान से रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर नमाज पढ़ने आते हैं। नमाज पढ़ने आते हैं, यहाँ पर नमाज अता की जाती है। ये शुरू से ही मस्जिद बनी हुई है यहाँ पर, इसी के साथ में? इसी के साथ में बनी। आपका नाम क्या है? अनवर जी यहाँ पे लोकल नागरिक है। तो हमें सुल्तान और रजिया, क्या नाम बताया दोनों? रजिया सुल्ताना दोनों बहनें हैं। तो अच्छा, ये दो बगल में कब्र बनी हुई है किसकी? ये तो बच्चे अच्छे ऐसे ऐसी उनके किसी परिवार में से बच्चे हो। आपसे बहुत अच्छा लगा, आपसे जानकारी पाके बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर रजिया सुल्तान की जो कब्र बनी हुई है, ये चारों तरफ कोठी और घरों के बीच में घिरी हुई है। बिल्कुल कोई पहचान भी नहीं सकता कि यहाँ पर पहली जो भारत की महिला शासिका थी, यहाँ पर उनकी कब्र भी है। दोस्तों, देश के इतिहास में रजिया सुल्तान का नाम भारत की प्रथम महिला शासक के तौर पर दर्ज है। दिल्ली सल्तनत के दौर में जब बेगमों को सिर्फ महलों के अंदर आराम के लिए रखा जाता था, वहीं रजिया सुल्तान महल से बाहर निकलकर अपने हक के लिए युद्ध किया और शासन की बागडोर संभाली। रजिया सुल्तान का जन्म दिल्ली सल्तनत के मशहूर शासक एवं इतिहास के प्रसिद्ध सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश के घर 1236 में हुआ था। रजिया को इतिहास में रजिया अल दीन और शाही नाम जलालत उद्दीन रजिया से भी जाना जाता है। रजिया सुल्तान तीन भाइयों में इकलौती और सबसे काबिल थी। रजिया सुल्तान का बचपन का नाम हफ्सा मोइना था, लेकिन सभी उसे रजिया कहकर ही पुकारते थे। उनके पिता इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान की प्रतिभा को बचपन में ही भांप लिया था और उन्हें अपने बेटों की तरह ही सैन्य प्रशिक्षण दिया। बटीना के अंदर इनकी बॉडी को संभाल के रखा गया था, क्योंकि इनके जो इनसे शादी करना जो चाहते थे अल्तुनिया जी ने इनको कैद कर लिया था, जब वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी, फिर उनकी बॉडी को संभाल के रखा गया था। अब इनकी तीन जगह इनकी टॉम बना रखा है, कब्र बना रखी है। अब ये नहीं पता कौन सी सही है कौन सा नहीं है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय भारत।